नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम देखेंगे एंड्रॉइड फोन में आप स्टोरेज कैसे डिलीट कर सकते हो। तो स्टोरेज डिलीट करने के लिए सिंपल सा आपको फाइल मैनेजर में जाना पड़ेगा। तो ऐसे करके फाइल मैनेजर होता है हर डिवाइस में, बट इससे बेटर एक फाइल मैनेजर है गूगल की तरफ जो आता है, तरफ से जो आता है उसको हम ओपन कर इंस्टॉल कर लेते हैं प्ले स्टोर पर जाके। प्ले स्टोर पर जाके हमें सर्च कर देना है फाइल्स बाय गूगल। जैसे आप देख पा रहे हो पहला वाला एप्लीकेशन जो है इसको हम फटाक से इंस्टॉल कर देते हैं। इस ऐप से आप फाइल्स शेयर वगैरह भी कर सकते हो, बहुत सारे अच्छे से अच्छे अच्छे फीचर्स है इसमें, और क्लीनिंग का भी एक गाइडेंस वाला दे देता है ये ऐप। तो इसकी वजह से ये मुझे बेटर लगता है नॉर्मल फाइल मैनेजर से। तो और अपने डिवाइस टू डिवाइस फाइल मैनेजर चेंज भी होते हैं, तो इससे मैं यूनिवर्सल एक गाइड बना पाऊंगा इस टॉपिक पर। तो इसी वजह से ये मैंने फाइल मैनेजर सिलेक्ट किया है। तो इंस्टॉल हो रहा है और इंस्टॉल होने के बाद हम ओपन पे क्लिक कर देंगे। बस ओपन पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ परमिशंस देनी पड़ेगी इसको। जैसे आप देख पा रहे हो कंटिन्यू पे प्रेस कर देंगे हम, और एक दो अलाउ पे प्रेस करके हम इसको कुछ परमिशंस दे देते हैं अपने फ़ोन के लिए। फाइल और मीडिया का एक्सेस हम दे देते हैं, आपके फ़ोन में शायद डायरेक्टली पॉपअप शो हो जाए। और जैसे आप देख पा रहे हो ये मेरा इंटरनल स्टोरेज वगैरह दिखा रहा है, यहाँ पे शेयर का भी बटन मुझे दिख रहा है, और यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे जो है क्लीन वाला बटन, इस पर हमें टैप कर देना है। और अननेसेसरी फाइल्स जो है फोन से वो कैसे डिलीट करनी है उसके लिए हम ये एक्चुअली ये गाइड बना रहे हैं। बट आपको आपका स्टोरेज फिर भी कम नहीं हो रहा है तो आप अलग और भी फाइल्स डिलीट कर सकते हो जो हम वीडियो के आगे दिखाएंगे। तो पहले सबसे पहले है जंक फाइल्स। तो जंक फाइल्स हम डिलीट कर देते हैं, ये फाइल्स कुछ काम की होती नहीं है खास, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं और अपना देखते हैं कितना स्टोरेज बचता है। तो जंक फाइल्स मेरी 276 MB मेगाबिट्स की डिलीट हो चुकी है, और भी सजेस्ट कर रहा है मुझे कि कुछ और फाइल्स मैं अगर डिलीट कर पाऊँ तो वो भी कर सकता हूँ। तो जैसे आप देख पा रहे हो लार्ज फाइल्स भी मुझे डिलीट करने को सजेस्ट कर रहा है, और यहाँ से आप लार्ज फाइल्स भी डिलीट कर सकते हो सिलेक्ट करके। तो मैं एक बार जाके दिखा देता हूँ, तो बट डिलीट नहीं करने वाला मैं। तो जैसे आप देख पा रहे हो ये यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करके, कोई भी फाइल यहाँ से सिलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हो नीचे बॉटम वाले कॉर्नर पे टैप करके। बट मुझे नहीं डिलीट करनी है तो मैं पीछे चला जाऊंगा डाउनलोडेड फाइल्स और जो भी ये आप जितने दिन अपने डिवाइस में ये ऐप रखते हो उतना ही बेटर सजेशन दे देता है ये ऐप। तो इसी वजह से मुझे ये काफ़ी सही लगता है एप्लीकेशन। तो जैसे आप देख पा रहे हो 20 GB मेरा फाइल यहाँ पे स्टोरेज भर चुका है। तो इससे भी और कुछ डिलीट करना है तो हम ब्राउज वाले बटन पे चले जाएंगे। ब्राउज वाले बटन पे चले जाने के बाद यहाँ से आप कैटेगरी वाइज सेलेक्ट कर देख सकते हो कि आपके फ़ोन में क्या क्या अननेसेसरी फाइल्स है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और किस किस टाइप की फाइल्स ने कितना स्टोरेज लिया है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हो। जैसे डाउनलोड्स ने मेरा 2.4 GB स्टोरेज लिया है, इमेजेस कम ही है, और वीडियोस को भी अच्छा खासा 3 GB के आसपास स्टोरेज जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स कम है। तो ये इससे हमें पता चलता है कि मुझे यहाँ से वीडियोज डिलीट करने के बाद मैक्सिमम स्टोरेज फ्री कर पाऊंगा। तो वीडियोज पे भी हम जाके देख लेते हैं, वीडियोस हमें कैटेगरी वाइज किस फोल्डर में कौन सी वीडियोस है वो यहाँ पे दिख जाते हैं, और पूरे डिवाइस में कितने फोल्डर कौन से वीडियोस है वो भी यहाँ पे दिख जाते हैं। इसको आप सॉर्ट भी कर सकते हो ताकि आपको सबसे बड़ा वीडियो, सबसे बड़ी फाइल्स आपको सबसे पहले दिखें। जैसे आप देख पा रहे हो स्मॉलेस्ट फर्स्ट लार्जेस्ट फर्स्ट, तो लार्जेस्ट फर्स्ट हम कर देते हैं। और आप जैसे आप देख पा रहे हो सबसे पहली फाइल 270 MB की आ गई है, तो इससे भी आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी फाइल डिलीट करने से कितना स्टोरेज फ्री हो जाएगा, और आप उस हिसाब से अपनी फाइल्स डिलीट कर पाओगे। उसके बाद भी हम चले जाते हैं इंटरनल स्टोरेज में और भी ऑप्शंस देख लेते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। इंटरनल स्टोरेज में आप अपने फाइल्स पूरे ब्राउज कर सकते हो यहाँ पे, और जो भी आपको अननेसेसरी फाइल्स दिख जाए वो यहाँ से डिलीट कर सकते हो। और उसके बाद आपको व्हाट्सएप की भी फाइल्स डिलीट करने पर काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज फ्री हो सकता है आपका। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि व्हाट्सएप का फोल्डर भी एक बार देख लेना, और उसके बाद एंड्रॉयड का फोल्डर है, एंड्रॉयड के फोल्डर में भी बहुत एंड्रॉयड का फोल्डर भी कभी कभी बहुत ज़्यादा स्पेस खाता है, तो इसको भी हम देख लेते हैं कितना स्टोरेज है इसका, क्या कितना स्टोरेज खाया है इसने। तो फोल्डर इन्फॉर्मेशन पे चले जाते हैं, और ये अपडेट हो रहा है, ये इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये अपने प्रोसेसर पर डिपेंड करता है इसको कितना टाइम लग रहा है। तो मेरे प्रोसेसर ने सर से भी कैलकुलेट कर दिया है, और इसको यहाँ पे आप देख पा रहे हो
107 MB भी है, तो मैं इसको भी डिलीट नहीं करना चाहता। तो अगर आपको वो भी करना है तो आप यहाँ से सीधा उसको लॉन्ग प्रेस करके ऊपर वाला, ऊपर डिलीट वाला और रिसाइकल बिन वाला बटन प्रेस करके उसको डिलीट कर सकते हो। बट जनरली मैंने देखा ही है कि इमेजेस और वीडियोस ज़्यादा स्टोरेज लेते हैं, तो इसको आप अपलोड करके या फिर किसी दूसरे डिवाइस में मूव करके डिलीट कर सकते हो। तो अगर अपलोड नहीं करना, आपको नहीं पता है कि गूगल फोटोज या फिर वीडियोज आपको कैसे अपलोड करना है, तो उसके ऊपर भी हमने एक और वीडियो बनाया है, वो भी आप चैनल पे चेक कर सकते हो। और इतना ही था आज के वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और क्वेश्चंस क्वेरीज है तो कमेंट्स में पूछना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।